भाई ये है पुराने जमाने के घर, देख लो क्या सॉलिड है ये वाले घर। यही हमारे पंचायती चौक है, यहीं पे हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी देवता नाचना या फिर कोई भी कार्य होता है तो यहीं पे होता है। भाई ये है हमारी सील गड्डी, देख लो वहां से और यहाँ तक, और कितना प्यारे नजारे आ रहे हैं। और सामने होगा ये भुतेरदार घर, इनको बोलते थे तिवारी वाले घर। बाहर प्लेन्स में ये तिमला जो है ना अब काफी महंगा जाता है, लेकिन यहाँ जो चीज होती है ना उसकी कदर रहती नहीं है। सुबह उठा नजारे देख लो आज के, हल्की सी बारिश लगी है और सामने देख लो क्या ही जबरदस्त नजारा है ना, जो कोहरा उठ रहा है ना देख लो, श्रावण का महीना चालू हो गया भाई, कोहरा उठने बैठ गया तो जबरदस्त वाले नजारे आ रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद ना यहाँ से कुछ आगे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि इतना जबरदस्त वाला कोहरा लगता है और लोग अपने अपने कामों पे जाने बैठ चुके हैं। और भाई अभी उठ रहा है आपका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे होप सो सब बढ़िया होंगे, अपन एकदम मस्त है। तो सो अभी सुबह की 10:30 बज रही है और मैं जा रहा गाँव में, कुछ काम है। भाई ये है पुराने जमाने के घर, देख लो क्या सॉलिड है ये वाले घर, इनको बोलते थे तिवारी वाले घर। सेम ये हो गए, सेम ये हो गए, दोनों के जो बनावट है ना वो एक ही जैसी है। और देख लो कितने प्यारे हैं, लगभग 100-150, लगभग 2-3 पीढ़ियों के बाद भी अभी सेपरेट ही है ये। और मुझे जाना है आज खुरदर में, वहाँ पे है पेंटिंग करने के लिए, वही ये है चढ़ाई का रास्ता, तो फुल ले मेरी सांस। और पहले हमारा मोहल्ला भी यही था लेकिन हम यहाँ से भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हमारी सील गड्डी, देख लो वहां से और यहाँ तक, और कितना प्यारे नजारे आ रहे हैं। और सामने होगा ये भुतेरदार, और स्कूल भी देख रहे हो यहाँ से, जो हमारी जूनियर स्कूल है ना उसके नजारे क्या ही आ रहे हैं। भाई साल का पहला सांप मेरे को दिख गया, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है। और लोग क्या करते हैं, सांप दिखते ही मार देते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि ये हमको काटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी को अपनी डर रहती है। तो कभी भी आपको कहीं सांप दिखेगा तो प्लीज उसको मारो मत, उसको अपने रास्ता जाने दो। तो भाई यहाँ आ रहे हैं हम पेंटिंग करने के लिए, और देख लो इतना हमने कर दिया कलर, और मेरी ड्यूटी है पेंट करने में, तो हाथों की कंडीशन देख सकते हो आप किस प्रकार है। और यहाँ पे है सगाई 2 तारीख को, तो गांव में ऐसे होता है अगर कोई भी चीज़ होती है पूरे गांव वाले मिल के ही काम करते हैं तो एक पैसा ही भी बच जाता है। तो देख लो आप इतना कलर कर दिया हमने, और इस पर एक राउंड और मारना तब जाके इसका कलर, क्योंकि गाँव में क्या होता ना आग वाला घर रहता है तो धुआं से क्या होता ना काला हो जाता है, तो इस पर एक राउंड और मारेंगे। और दादाजी लगे हुए हैं नीचे, तो जो हम भी करते हैं थोड़ा शुरू और फिर देखते हैं। यहाँ दादाजी को मेरे को देख के गुस्सा आ गया कि भाई कि तू लड़का तरका लगा। लड़का तरका का मतलब ये होता है कि मतलब नीचे जहाँ हमने दीवार कर रखी है उस पर छींटे गिरना। तो दादाजी भड़क गए मेरे पे कि भाई तू लड़का तरका मत लगा। लेकिन मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल पेंटर तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। और खुद को देख लो किस हिसाब से कर रहे, देख लो यार। और हमारा कैमरामैन बड़ा अच्छा है, वीडियोज बड़ी अच्छा बनाता है यार। तो दादाजी अपने मस्त मौले हैं, लगे हैं अपनी धुन में। और दादाजी क्या रहता है ना, एक दो टिका देते हैं उसके बाद बड़े अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन आज अभी तक टिकाए नहीं है तो काम बड़ा अच्छा कर देते हैं। तो ये है घर, इस पर पेंटिंग करना है। और अंदर हैं रंजीत भाई अपने दोनों माबूद, माबूद का मतलब बाप और बेटे, इसको गढ़वाली भाषा में माबूद बोलते हैं, यानी उसकी मतलब बाप भी और बेटा भी दोनों काम कर रहे हैं। और दोनों अपने ही रूम, ये अपने ही पापा के रूम में लगाए हैं सुबह से, इसी को डेकोरेट कर रहा है सुबह से। और अपने रंजीत भाई तो लगे हुए हैं, इनकी लड़की की सगाई है और बाहर देखो पब्लिक भी है। और मैं लगा हूँ अपनी धुन में यहाँ पे, इसको कर रहा हूँ मैं वॉइस ओवर रात को एडिटिंग के समय। तो भाई ये है आज का काम, अभी कलर हो गया पूरा हमारा, जो भी था पेंटिंग पेंटिंग का काम कर दिया है। और अभी खाते हैं हम लोग खाना, और अभी पेंट का काम हो गया हमारा, नहा धो के फ्रेश हो गया और जो भी काम था निपटा दिया। और गांव में ऐसे होता है अगर किसी का काम रहता है तो सब मिलजुल के ही करते हैं। तो भाई का फ़ोन आया था, भाई पेंटिंग कर रहे हैं आज, मैंने कहा चलो मैं भी आ जाता हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो सब खाते हैं खाना,
उसके बाद चलते हैं घर। और इस साइड में ना जंगली तोते भी बहुत सारे हैं। हमारे गांव का एक ऐसे एक यही एरिया है जहां जंगली तोते होते हैं, और बाकी गांव देख सकते हैं आप, ये हमारा गांव है, एक इलाका ही है, ये गांव, ये मोहल्ला ही है जिसको बोलते हैं मुल्ला कुल्ले। और सामने जो है डाना, यहां से डाना जो है ना एकदम क्लियर दिखा रहा है, जो व्यू आ रहा है ना वो अमेजिंग है यार। इस घर के इस तरफ आएंगे ना, यहाँ से जो है ना तुंगनाथ चंद्रचला एकदम क्लियर ही दिखाई देता है, लेकिन अभी लगा हुआ है कोहरा, ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ से जो है ना तुंगनाथ का डाना चंद्रचला का जो पहाड़ है ना वो क्लियर ही दिखाई देता है। ना बहुत सारे पत्ता गोभी की खेती कर रखी है, देख लो पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक, इस साइड भी पत्ता गोभी है, और यहाँ पे कुछ टमाटर के पेड़ भी लगा रखे हैं जिन पर टमाटर लग चुके हैं अभी, छोटे छोटे टमाटर। और नीचे के साइड में जो है ना झंगूरू, जो हमारे गाय भैंसों के लिए पीने का काम आता है, एक प्रोटीन का काम आता है। तो देख लो अभी कहीं कहीं तो अभी उग रहा, यहाँ देखो कितना बड़ा हो गया। और सामने जो है ना रिंगाल, जो कि ऊपर होता था वहाँ से निकाल के यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा हो रखा है ये। साइड में ना अंगूर का पेड़ भी है, और देख लो इस पे अंगूर इतने सारे लगे हुए हैं ना, मैं क्या ये बताऊं यार, ये देख लो हरे हरे लगे हुए हैं, देख लो। और कुछ टाइम के बाद पक जाएंगे ये। तो यहाँ पहाड़ों में क्या हो ना, अंगूर का सीजन ही रहता है, और जो ये है ये पहाड़ी वाला अंगूर है। तो यहाँ देख लो इतना बड़ा झील हो रखा है, झिल्ली बोलता हमारे यहाँ बेल को, तो कितना बड़ा हो रखा है देख लो, इस साइड में बहुत सारे लगे हुए हैं। शाम की 6:30 हो रही है, और पेंडिंग तो होगी, खाना खा के सो गए थे क्योंकि बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी, 1.5 घंटा कंटिन्यू बारिश हुई, ज़्यादा मोटी नहीं हल्की सी हुई। यहाँ से भी चलते हैं रोड साइड, रोड साइड से थोड़ा घूम के उसके बाद चलते हैं घर। और अभी मैं जाऊँगा घर कोरडगौना होके, जो कि हमारे गाँव का एक पार्ट है, और हमारा गाँव जो है काफ़ी बड़ा है, कम से कम 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ हमारा गाँव है। और योगी भाई जो है हमारे गांव के आर्मी ऑफिसर हैं, उनके काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे भाई हमारा घर दिखाओ, हमारा घर दिखाओ। मैंने सोचा उनके घर से होके चले जाऊं, लेकिन सुनने में आया कि उनका घर में बहुत डेंजर कुत्ता है, तो उनके घर के ऊपर से चलते हैं। तो भाई योगी भाई आज फाइनली आपके लिए आपके घर का दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये है योगी भाई तुम्हारा घर, ऐसे ही है जैसे आप छोड़ के गए थे अभी भी। तो उस रास्ते जा रहा था मैं, लेकिन वहाँ सुना तुम्हारा कुत्ता बड़ा डेंजर है यार। और हमारा जो गांव है ना वो ऐसा फैला हुआ है ना, मतलब 5-7 घर एक जगह, 5-7 घर जगह एक जगह, 10-12 घर एक जगह, तो काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ हमारा गांव। तो ये है हमारे गांव का जो है यानी नंदाधार वाला साइड है ये, और ठीक इसके ऊपर जो है नंदा देवी का टेम्पल है, तो वहाँ जाऊँगा एक दिन, दिखाऊँगा आपको नंदा देवी का टेम्पल। यहाँ पर मदन भाई के घर के बाजू में जो है ना कुछ अलग ही प्रकार के फूल हैं। तो आजकल ना गांव में हर किसी के घर के आगे कुछ नई तरह के फूल देखने के लिए मिल रहे हैं। और मदन भाई का भी जो ये घर है ना, बड़ा पुराना घर है ये वाला भी। अभी मैं ठीक हूँ अपने पंचायती चौक के ऊपर, और जो ये वाला मोहल्ला है ना, ये है हमारा जिसको बोलते हैं ड्योला। तो यहाँ पे पहले कुछ घर थे, 2-4 घर ही थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे घर हो गए, और सबसे ज़्यादा खिचड़ी अभी यहीं पे है, एक घर के बाजू में एक घर, एक घर के बाजू में एक घर। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं मतलब बड़ी सिटी में पहुँच गए, क्योंकि घर के बाजू में घर, घर के बाजू में घर के बाजू में हो गया। और जो ये वाला चौक है यही हमारे पंचायती चौक है, यहीं पे हमारे जो भी कार्य होते हैं, जो भी देवता नाचना या फिर कोई भी कार्य होता है तो यहीं पर होता है। तो पहाड़ों में ये रहता ना, गाँव का एक चौक होता है, एक एरिया होता है, तो ये एरिया हमारे गाँव का है। और गांव के लड़के जो है ना रोड से राउंड मार के आ गए यार, ये हमारे गांव का सुपरस्टार होगा। क्या हाल चाल दिन भाई, कुछ ना कक्ष। और अभी मैं जा रहा हूँ रोड साइड,
यहाँ दुकान में कुछ सब्जी लेके निकल चलूँगा घर। और एक डेढ़ घंटा बारिश होने के बाद ना हल्का सा आसमान में खुला तो नज़ारे देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो ये पहाड़ों की खूबसूरती है यार, जितने मज़े हैं उतने कष्ट भी हैं ही, लेकिन ये चीज़ ना आप लाखों रुपया खर्च करके आपको नहीं मिलने वाली है ये चीज़। अभी रात की ठीक 11 बज रही है और खाना खोना खा के ना मैं वीडियो एडिटिंग करने आ गया ऊपर। और आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और काम करने का मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और मेरी वीडियोस को देखने की इच्छा रखते हैं, तो मुझे भी काम करने का एक उत्साह मिलेगा। तो आज था ये मेरा गाँव का ब्लॉग, मैंने आपको अपना गाँव दिखाने की कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा गाँव कवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है, इतना कवर करने के लिए पूरा एक दिन लगेगा, लेकिन ज़रूर एक दिन आपको पूरा गांव विजिट कराऊंगा कि मैं कैसा मेरा गांव है, क्या मेरा गांव है। और जो गांव के नज़ारे हैं ना वो आजकल कुछ गजब ही हैं क्योंकि हरियाली है और पहाड़ों में खूबसूरती बहुत ही प्यारी रहती है, सुकून रहता है। और आजकल जो नदी नालों का शोर रहता है ना वो अलग ही मज़ा रहता है। और बहुत सारी प्रकार की चिड़ियाँ भी जो है आजकल इस मौसम में दिखाई देती है। तो सो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब याद करना, मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।